आज की वीडियो में बात करेंगे, मैं देख सकते हैं पार्ट 3 का ये मार्कशीट है, तो इनका बॉटनी ऑनर्स है। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि पेंडिंग क्यों रहता है। तो यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो देख सकते हैं इनका सभी पास है, लेकिन पार्ट 1 अटका हुआ है। तो इसको देखने के लिए आपको देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर पेंडिंग रिजल्ट बता रहा है और रिमार्क्स में दिया हुआ है MWP1। इसका मतलब P1 होगा तो यहाँ पर पार्ट 1 होगा, और P2 होगा यहाँ पर तो पार्ट 2 का रिजल्ट आपका होगा। तो रिमार्क में दिया हुआ है कुछ गड़बड़ होगा, इसलिए आपका दिया हुआ रहेगा। तो इनका देख सकते हैं इनका दिया हुआ है पार्ट 1 का, तो पार्ट 1 में देख लेंगे आप। तो ऑनर्स में देख सकते हैं यहाँ 15 नंबर दिया हुआ है, और सेकंड पेपर में 37 नंबर दिया हुआ है। तो आपको पता ही होगा कि पेपर 1 पेपर 2 मिला के 67 नंबर चाहिए पास मार्क के लिए ऑनर्स में। तो इनका हाई जो नहीं पुट रहा है 37 नंबर है, 15 नंबर तो नहीं पुट रहा है, इसलिए इनका प्रमोटेड रिजल्ट है। और पार्ट 2 में देख सकते हैं यहाँ पर पार्ट 2 में 41 है और 38 है, तो दोनों 67 से बेसी पुट जाएगा, 67 से ज़्यादा पुट जाएगा। तो इनका रिजल्ट पास है पार्ट 2 में। पार्ट 2 का सभी में देख सकते हैं, सभी पेपर देख लेंगे इनका ठीक है, और सिर्फ पार्ट 1 में यहाँ पर अटका हुआ है, और पार्ट 3 में भी पास है। अगर पार्ट 3 में अगर फेल रहते, पार्ट 3 में कम नंबर रहता तो फेल कर दिया जाता रिजल्ट में यहाँ पर। और यहाँ पर देख सकते हैं इनका रिजल्ट सुधार कैसे होगा। दोस्तों ये एग्ज़ाम दे दिए होंगे तो फिर हो सकता है, तो इनका डिस्क्वालिफाइड अगर होगा तो नहीं होगा, फिर भी कोशिश कर सकते हैं, हो सकता है। अगर ये क्वालिफाइड कर दिया गया होगा तो इनका रिजल्ट सुधार हो सकता है। जैसे कि इनका बताते हैं, इनका बॉटनी ऑनर्स है देख सकते हैं यहाँ पर, और इनका हुआ ये है कि बाद में है जो पार्ट 1 का रिजल्ट आया है, पार्ट 3 का रिजल्ट यहाँ पर 21 में ही आ गया है। देख सकते हैं यहाँ डेट भी आपको बता देते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 31/12/2021 को आया हुआ है इनका रिजल्ट पार्ट 3 का, और पार्ट 1 का बाद में आया है। तो इनका रिजल्ट ऐड करवाना होगा, तो कैसे ऐड होगा हम आपको बताते हैं। अगर करवाना हो तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बताते हैं, इसका पार्ट 1 का 2021 में एग्ज़ाम दिए थे, तो इनका रिजल्ट है जो 2022 में आया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इनका रिजल्ट 2022 में आया है यहाँ पर, तो क्वालिफाइड है, तो इनका रिजल्ट आप ऐड करवाना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं 1/8/2022 को इनका रिजल्ट पब्लिश किया गया है। तो फाइनली ये मिथिला यूनिवर्सिटी का, ये यूनिवर्सिटी का रूल है कि अगर पार्ट 3 का मार्कशीट पहले आ जाए, पार्ट 1 का या 2 का प्रमोटर लगा और बाद में आएगा, तो आपको ऐड करवाना होगा। तो ऐसे स्टूडेंट आपसे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या खुद जाके करवा सकते हैं, या नहीं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ये जन कर देना था, उम्मीद करते वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।